बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन फ्राइड राइस। इसे हम थोड़ा नए अंदाज में बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे कि आपके चावल का दाना टूटने भी नहीं पाएगा और 20 से 25 मिनट में आपके फ्राइड राइस खाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए उसमें शामिल है गाजर, शिमला मिर्च, इसके अलावा बंद गोभी लेंगे। मटन को बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख दिया है। और मटन को बॉईल करने के बाद आपने उसकी यखनी निकालनी नहीं है बल्कि उसको उसी में खुश कर लेना है। अब सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे, उसके लिए हमने चावलों के हिसाब से पानी डालना है अपने पैन में। अगर 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी जाएगा। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं इसलिए मैं 4.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसमें ऑयल में 1/4 कप के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आप चावल कम बना रहे हैं तो जाहिर है आप ऑयल भी थोड़ा कम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको उसका लिंक। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 3 गिलास के हिसाब से। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, इसकी वजह से चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। और सिरके के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के लिए हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब जिस पानी में चावल हमने भिगो के रखे थे उसको हम निकाल देंगे और चावलों को इस उबले हुए पानी में ऐड कर देंगे। आज हम फ्राइड राइस थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बना रहे हैं इसलिए आज हमने चावलों की पिच को निकालना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बॉयल करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हम ड्रेन नहीं करेंगे, उसे निकालेंगे नहीं, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है। सिर्फ इतना ही पानी ऐड किया है जिसमें ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। और पानी की जो मिकदार मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। अब हम पैन को दोबारा कवर कर देंगे। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, अब हम दूसरे पैन में ऑयल लेंगे और यहाँ पे मैं 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और ये मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, इसको मैश नहीं किया है। अगर आप उसकी पेस्ट लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपने इसी तरह उसको छोटे छोटे से बारीक टुकड़ों में काट लेना है। चूल्हे की आँच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है, अब इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को आपने इसी तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काटना है, ये गल भी जाती हैं अच्छी तरह से और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं फ्राइड राइस में। और गाजर का जो येलो पार्ट है आप जितना हो सकता है उसको रिमूव कर लें। चूल्हे की आँच को हम दरमियाना ही रखेंगे, अगर आप स्लो रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगी वेजिटेबल्स। अगर आपको फ्राइड राइस में ज़्यादा सब्जी अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट ही गाजर को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। मैंने बंद गोभी की मिकदार थोड़ी सी गाजर से ज़्यादा ली है। इसी तरह आपको भी जो भी वेजिटेबल अच्छी लगती है, जो भी सब्जी अच्छी लगती है, आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। चूल्हे की आँच क्योंकि स्लो नहीं है इसलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है और साथ ही साथ जो चावल बॉयल हो रहे हैं उसको भी भूलना नहीं है बल्कि 1 से 2 दफ़ा उसमें भी चम्मच हिला दें। 2 मिनट मजीद भूनने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हमने जो भी सब्जियां ऐड की हैं वो सब हम सलाद के तौर पे भी यूज़ करते हैं तो इन सबको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट तक ही हम हर सब्जी को फ्राई करेंगे और बाकी जो इसमें कसर रह जाएगी वो चावलों के साथ जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो उसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। चावलों में जब मामूली सा पानी रह जाएगा तो हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हम पहले भी ऐड कर सकते थे लेकिन उसे ना ऐड करने की एक वजह ये थी कि अगर हम इसे स्टार्ट में ही ऐड कर देते तो सारे चावल हमारे ब्लैक हो जाते और ये हम नहीं चाहते थे। चावलों को आपने बिल्कुल इसी अंदाज में बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है वरना चावल का दाना टूट जाएगा। जब हम इस पॉइंट पे इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे तो काली मिर्च का दाना अलग अलग रहेगा और ये चावलों को काला नहीं करेगा। अब हम अपनी सब्जियों में चिली सॉस के 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे और इसके साथ ही मटन को भी ऐड कर देंगे। अब इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अंडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें अंडा यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप अंडे को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपने अलग से अंडे को फ्राई करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं और उसके बाद आपने इन तमाम अज्जा में इसको शामिल करना है, ठीक है। अब हम इन सब्जियों में और मटन में अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक चम्मच यहाँ पे मैं चिकन पाउडर यूज कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप चाइनीज साल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ही चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप सादा नमक भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें सादा नमक ऐड किया है और आप देख सकते हैं चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे और इसे दोबारा कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पर ही पकने देंगे। यहाँ हमारी सब्जियां भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और ये तकरीबन मैं 2 से 2.5 खाने के चम्मच ले रही हूँ। और दोबारा वही बात कि अगर आपको ज्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और सोया सॉस के बगैर तो किसी किस्म के भी फ्राइड राइस मुकम्मल होते ही नहीं है, तो इसके हम 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। आपको धुएं से अंदाजा हो रहा होगा कि चूल्हे की आंच स्लो नहीं है बल्कि मीडियम टू हाई है। बस इनको मिक्स करने के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं चावल हमारे दम के बाद बिल्कुल रेडी हैं। अब जस्ट हम इनको मिक्स करेंगे आपस में। अगर आपके चावल मुकम्मल तौर पे नहीं गले हों तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसे ज्यादा देर के लिए दम पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हों तो आपने जस्ट इनको मिक्स करना है और सर्व कर देना है। अब इस पॉइंट पर आपने चावलों को मिक्स करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना है। आप देख सकते हैं आपने चावल की चम्मच को बिल्कुल इस तरह से कॉर्नर से अंदर की तरफ लाना है। अगर आप चम्मच को गोल गोल घुमाएंगे तो चावल का दाना टूट जाएगा। स्क्रीन की राइट साइड पे आपको छोटा सा एक एरो का निशान नजर आएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगी अपनी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी का। इसके अलावा स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको इजी कुकिंग प्लस बेकिंग का जो लोगो नजर आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी तमाम रेसिपीज ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं चावलों को हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में मिक्स किया है और बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स किया है। इनको मिक्स करने के दौरान हमने चूल्हा बंद कर दिया था, अब हम चूल्हे की आंच को हल्का सा ऑन कर देंगे और इसके ढक्कन में जो छोटा सा सुराख है वहाँ किसी लंबे से कद वाली लौंग को फंसा देंगे। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। अगर आप चावल अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी सीखने के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।